नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीपीओ 2018 मैथ्स पेपर सॉल्व करेंगे। और आज का शिफ्ट है 15 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट पार्ट वन। और सीपीओ में टोटल शिफ्ट होते 11। हर एक शिफ्ट को डिवाइड किया मैंने दो वीडियोस यानी दो पार्ट्स में। हर एक पार्ट में मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन और हमारे टोटल वीडियोज बनेंगे 22। 22 वीडियो बनेंगे, उसमें से ये 30th नंबर की वीडियो है, ठीक है। और अगर आपको सीपीओ के पेपर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब करते हैं 15 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन। देखिए 15 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट है और मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा पहला। ये मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स मेड इन अ मंथ, ठीक है। The sales achieved by agent for the month of April 2018 is 5,68,000. The commission earnings, ठीक है। तो क्वेश्चन के आपसे पहले 2 लाख में कितना कमीशन है? 2%। नेक्स्ट 2 लाख में है 1.5%। उसको जो बचा है, जो रिमेनिंग है, उसके लिए हमारा 1%। टोटल सेल हुआ है 5,68,000 का, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा? 1,68,000 का, ठीक। पहले 2 लाख पे हमें कितना मिलेगा? 2%। तो 2% ऑफ 2 लाख कितना जाएगा? 2 × 2,000। और 1.5% ऑफ 2 लाख हो जाएगा हमारा 1.5 × 2,000 और यहां पे 1 × 1,680, ठीक। तो वैल्यू जाएगा वहां पर 4,000, 3,000 और 1,680, इन तीनों जोड़ेंगे तो जाएगा 8,680, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द गिवन पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ टूरिस्ट फॉर द ईयर 2015 ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया एंड टू इंडिया। इन द गिवन पाई चार्ट इफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इज 21,35,600, द नंबर फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इज 20,45,450। How many more people visited USA from India than from USA to India? ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंडिया विजिट करने वाले लोग इतने हैं और इंडिया से जाने वाले लोग इतने हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि USA में लोग ज्यादा विजिट किए हैं, USA लोग ज्यादा गए हैं कंपेयर टू इंडिया। यूएस से लोग इंडिया बहुत कम आए हैं पर गए ज्यादा है, ठीक। तो कितने लोग ज्यादा गए हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ यानी जूम कर लेता हूँ और क्वेश्चन साथ में करते हैं। क्वेश्चन में हमें चाहिए वैल्यूज। आपको वैल्यू दिख रही है? दिख रही है, ठीक है। तो जो 21,45,600 है वो इंडिया विजिट किया है, मीन्स टू इंडिया। यहाँ पे 21,45,600 और जो फ्रॉम इंडिया हुआ वो है 20,45,450, 20,45,450। यहाँ पे यूएसए जो विजिट किए हैं वो है 42%, यहाँ जो यूएसए से इंडिया है वो 26%। मीन्स हमें निकालना है 42% ऑफ 20,45,450 माइनस 26% ऑफ 21,35,600, हमें बस ये निकालना है। इसको कर सकते हो 7 × 6 × 20 45 को कॉमन डाल देते हैं 20 45 4.5, और इसको आप कर सकते हैं 2 × 13 × 21,35,600, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जाएगा 6×5=30, हासिल लगा 3 पॉइंट आगे यहाँ पे 6×24=27, 2 लग गया हासिल, 6×5=30=32, 6×24 और 3=27 और 6×2=12 और यहाँ पे 7 × और यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव, माइनस तो करना ही हमें, 13×6=78, 13×5=65 और 7=72, 13×39=46, 13×13=4=17, 13×26=27, 2 into this,
तो सॉल्व करते हैं, 7 7 49, 7 2 14 4 18, 7 49 1 50, 7 2 14 5 19, 7 2 14 1 15, 7 7 8 माइनस 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 6 12, 2 6 14 1 15, 2 14 1 15, 2 4 1 5, हमें 8 5 9 0 8 9 से माइनस करना है 5 5 5 2 5 6, माइनस करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 3 आएगा, तो हमारा आंसर है 303 833, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जूम आउट कर लेते हैं एक बार, द वैल्यू ऑफ 4 sin² 30° प्लस 3 cot² 60° तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है। तो 4 × 1/2² sin 30° वाली क्या होती है 1/2, तो 1/2² प्लस 3 cot 60° वाली क्या होता है 1/√3² तो 4 × 4 प्लस 3 × 1/3 = 1 + 1 = 2, जो कि करेक्ट वैल्यू है। अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 10,000 सो दैट इट इज एक्जेक्टली डिवाइड बाय 327। तो इस क्वेश्चन के लिए हम 327 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो तीन बार में जाएगा तो जाएगा 189, बचा 190। अब 190 में आप कितना जोड़े, 190 में कितना जोड़े कि वो 327 बन जाए, तो जाएगा x इक्वल टू 327 माइनस 190 इज इक्वल टू 137, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स 10,000 प्लस 137 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका 327 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240,000 इज टेकन एज लोन फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट 12.5% पर एनम, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज रिवाइज टू 12%, द टोटल अमाउंट टू पेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज, देखिए जो हमारा आर वन जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 12.5% पहले ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और थर्ड ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और आपको पता है ए इज इक्वल टू पी 1 R1/100 × 1 R2/100 × 1 R3/100। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, P की वैल्यू है 240,000 वन प्लस 12.5/100 × 1 12/100 × 1 12/100। ठीक, इससे इसको काटेंगे तो जाएगा 1 ये जाएगा 8, तो ये 240,000 इंटू 9/8 इंटू 112 बट्टा 100 × 100 कटम पट्टी करते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, सॉरी ये 240,000 है, मैंने जीरो कम लगा दिया यहाँ पे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, और यहाँ पे 8 दिया 24 हो गया, तो वैल्यू बच्चे हमारे पास 3 × 9 × 112 × 112, जो 112 × 112 इसको मैं करूंगा किससे, वैदिक मैथ से। ठीक है, तो 112 100 से कितना आता है प्लस 12 जाता है, फिर ये दोबारा 112 100 से कितना आता है प्लस 12 जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 3 या 4 डिजिट वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट कैसे आएगा, 12 × 12 करोगे कितना आएगा 144, पर यहाँ 3 डिजिट आ रही है। ठीक है, इन दोनों जो ये दोनों वैल्यू होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इससे यहाँ पे वैल्यू आती है 144 आ गया। ठीक है, अब हम 112 में प्लस 12 करें या 112 में प्लस 12 करें, ठीक, तो ये जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 112 + 12, तो यहाँ पे 124 हो गया, पर यहाँ 1 ज्यादा एक्स्ट्रा है तो ये वाला 1 है ये यहाँ चले जाएगा, तो ये 12544 हो गया, मीन्स 3 × 9 × 12544 जगह 3 × 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 = 39, 9 × 5 = 45, 3 = 48, 9 × 2 = 18, 4 = 22, 9 × 9 = 11, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 28, 3 × 8 = 24, 2 × 6 = 26, 3 × 6 = 28 और 33, तो हमारा आंसर हो गया 338688, जो कि करेक्ट वैल्यू है। ठीक है,
अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए टॉल रेक्टेंगुलर वेसल इज हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। द बेस डायमेंशन ऑफ द वेसल इज दिस। ए हैवी मेटल क्यूब ऑफ एच 15 सेंटीमीटर ड्रॉप इन टू द वेसल, द राइज इन लेवल ऑफ द वेसल इज ओके। जो अभी तक के शिफ्ट क्वेश्चन आया था इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, इन कोई बात नहीं, ठीक। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक वेसल है वो वाटर से हाफ फिल है, ये हमारा वेसल हो गया, ठीक है। तो वेसल के अंदर हमारा वाटर यहां तक है, अब उसमें और साथ में रखा बेस डायमेंशन है 62x45। जो ये बेस है यहाँ पे बेस हमारा स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वेसल है वो इस फॉर्म में है, बेस स्क्वायर फॉर्म में, और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करके गया है, ठीक। ये हमारा वेसल बना है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा ऊपर का ये पार्ट हो गया, ठीक। इस टाइप से हमारा वेसल है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मेन चीज ये है। तो अभी कह रहे हैं कि हेवी मेटल क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक क्यूब ड्रॉप कर दिया ऐसे करके, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि क्यूब ड्रॉप कर दिया तो जो लेवल है वाटर का वो बढ़ जाएगा, क्यूब ड्रॉप करके तो क्यूब तो सतह पे चल जाएगा, सतह पे, ठीक है। तो लेवल बढ़ेगा, जो लेवल बढ़ेगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा, इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा, इतना ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा इज इक्वल टू बेस एरिया, बेस एरिया इंटू जो हाइट रेज किया है, जो हाइट बढ़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूब ड्रॉप किया तो इस बेस एरिया के साथ, यहाँ बेस एरिया है कुछ, इस बेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हाइट बढ़ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक चले गया है, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा ऐसे करके यहां से यहां तक हाइट चले गया है, ठीक है। तो जो हाइट हो गया हमारा, हाइट इतना हो गया, और हमारा जो वॉल्यूम के लिए हमारा जो बेस है बेस एरिया हो गया, जो हमारा वॉल्यूम है इतना निकालना है, ठीक ओके। तो बेस एरिया कितना है 62 इंटू 45, और हाइट कितना हमारा निकालना है, ठीक है। हाइट इसे ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम क्यूब क्यूब कितना जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। तो एज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 62 इंटू 45, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 15 किया 45, 3 5 तो ये 75 अपॉन 62, ठीक है। और इसकी वैल्यू लगभग 1.25 अप्रॉक्स आएगी, 1.25, तो आंसर हमारा 1.21। इसको 1.25 कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 60 का अगर 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जाएगा 15, है ना। तो 62 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.5, है ना। और 75 को अगर 62 से डिवाइड करोगे तो 75 को आप 62/62 प्लस 13/62 लिख सकते हैं। 62/62 कितना हो गया हमारा, हो गया यहाँ पे 1, और 13 जो है 15.5 के अप्रॉक्स है, यानी 0.25 अप्रॉक्स हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 1.25 का अप्रॉक्स, यानी 1.21, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 3375 आपको यहाँ 5 दिख रहा है, मीन से 5 से डिवाइड होना चाहिए, अगर 5 से डिवाइड हो तो 25 से भी डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 5 का क्यूब होना चाहिए, मीन 125 से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो इसको हम 125 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 125 का तो अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता, तो 25 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 से कम 25, 8 और 7 25 से 75, 125, 25 125, अब 5 से कर लीजिए तो 125 अपने आप बन गया। 5 से करेंगे तो वैल्यू जाएगा 27, तो 27 किसका क्यूब है, यह 3 का क्यूब है। जो 3375 है वो 3 क्यूब इंटू 5 का क्यूब है, यानी क्यूब रूट करेंगे इसका, और इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, वो जाएगी 3 इंटू 5, यानी 15 हमारा आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द गिवन बार चार्ट शोज प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय कंपनीज ए बी सी डी फॉर ईयर 2014-2015-2016 इन टन्स। इन द गिवन बार चार्ट व्हाट द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ बी इन 2014, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2014। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2014 में
बी का परसेंटेज बताना है सिर्फ, ठीक है। तो 2014 की वायर वैल्यू चेक करने के लिए इसे जूम कर लेते हैं। जो ये बार चार्ट है इसको आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि मुझे बार बार जूम करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। और एक्चुअल पेपर में भी आपको बार ग्राफ जो है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चाहे आप जैसे भी करें पर आपको करना है और जल्दी करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, अगले बार में आपको बार बार जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पेपर में जो ये ग्राफ है अगर आपको उसको जूम करने की जरूरत पड़ रही हो तभी नोट डाउन करें, अगर नहीं पड़ रही हो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2014 ये है और बी हमारा ये है, ठीक। 2014 हमारा ब्लू में है तो ये ब्लू का, ये भी ब्लू 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 ब्लू, ठीक है। बी कितना है 200 और टोटल कितना हो गया 200 400 600, 600 150 750 750 325, कितना खुद जोड़ेंगे हम 75 और 10 10 75 यानी हमें 200 बट्टा 10 75 इंटू 100 करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 25 डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 25 से करेंगे तो कितना आएगा 25 चौक 100 पैन में 25 किया अरे 8 तुम्हारा 800 बट्टा 43 43 इंटू 20 करोगे तो 860 आएगा, है ना। मीन से 20% से कम है, मीन 43 इंटू 19 करोगे तो 800 में 43 कम करोगे तो ये 817 आएगा। मैंने इसमें से 43 माइनस कर दिया, मीन ये 19% अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स 19% उससे थोड़ा कम है, 18 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर 18 पॉइंट समथिंग कुछ है तो उसको आप टिक कर दीजिए, तो 18.6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक कार कंज्यूम्स 5.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर दिस किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स बी कवर्ड विद 32 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सिंपल। 5.4 लीटर्स में 60.48 किलोमीटर, 22 लीटर में कितना किलोमीटर, कितने के लिए 60.48 अपॉन 5.4 इंटू 22 करना है बस आपको। इसको सो काटोगे तो चार बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा इसको और इसको काटोगे तो अप्रॉक्स 4 बार में जाएगा, अप्रॉक्स 4 से, बल्कि 4 थोड़ा ज्यादा आएगी, 4 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको मैं 60.48 को आप इसको भी डाउन थोड़ा आपको लेते हैं 60.5 इंटू 4 करना है, जो वैल्यू आएगी थोड़ी ज्यादा आएगी। 60.5 इंटू 4 करोगे तो वैल्यू जाएगी हमारी ये 4 5 20, 2 और 4 6 24, तो जो आपका आंसर है वो 4242 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपके ये दो ऑप्शन हट गए हैं या आपने अप्रॉक्स से दो आंसर हटा दिया है, पर दो वैल्यू बहुत ही पास पास है तो आपको अप्रॉक्स नहीं करना है, आपको खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको खुद सॉल्व करना है, यहाँ पे आपने दो ऑप्शन तो हटा दिए हैं। ये आपको कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब आपके पास टाइम कम हो और आपको कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में करना हो, तब ये वाला तरीका अपनाइएगा। अब करेंगे एक्चुअल तरीका, ठीक है। 60.48 अपॉन 5.4 इंटू 22, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ 0 आ गया और ये 9 6 54 हो गया, 60 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9 6 54 6 0 9 7 63 9 2 18 672, 6 से काटेंगे 2 से जाएगा, 6 से काटेंगे 1 1 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है 1 1 2 इंटू 11 इंटू 2 बाई 10, तो 11 2 22 और 11 1 12 13 और ये 12, 1 1 1 2 1 2 3 2, ठीक है, इंटू 2 बाई 10, 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 बाई 10, तो ये गया 246.4 और हमारा आंसर आ गया सही, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इफ द हाइट ऑफ अ पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय इक्वल, ठीक है, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द पोल। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर पोल की हाइट और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड हाइट इक्वल तो एंगल कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन हिसाब से ये पोल हो गया,
पोल की हाइट हमारी एच मान लेते हैं, यहाँ आदमी खड़ा है, आदमी से इस पोल के डिस्टेंस अभी हमारा एच है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा ये वाला एंगल है वो कितना डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल है आपको टेन फोर्टी फाइव करोगे, सॉरी तो हमें ये वाला एंगल निकालना है ना, ये थीटा लिखिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एच एन इक्वल टू वन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, ये करने की जरूरत भी नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस है क्वेश्चन का उसे पता है यहाँ पे अच्छा गया यहाँ पे अच्छा गया यानी 45 डिग्री, इसलिए मैंने ऑटोमेटिकली 40 अपने आप लिख दिया था। ठीक है, तब करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल इस टाइप में हो, अगर यहाँ 45 हो यहाँ 45 हो तो यहाँ 1 1 √2 मीन्स ये दोनों साइड बराबर हो गए, और अगर ट्रायंगल इस फॉर्म में हो कि अगर 60 हो ये 30 हो और ये 90 हो, 30 को पॉइंट 1 60 को पॉइंट 3 90 को पॉइंट 2, इस रेशियो में साइड बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना जरूर है, ये तो ट्रायंगल्स का। ठीक, क्वेश्चन है इफ द हाइट ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज दिस द एरिया इज, ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा इक्वल ट्रायंगल हो गया और हमारा इक्वल ट्रायंगल का हमारा हाइट हो गया। ठीक है, और तीनों साइड होगा हमारी ए, और जो ये हुआ हमारा इतना पार्ट, ये हमारा ए बाई टू और ये ए बाई टू। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल हो गया यहाँ पे ए बी और सी, जो हमारा हाइट होता है इक्वल ट्रायंगल का होता है रूट थ्री बाई टू ए, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया था, एच इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ए। ठीक है, तो एच क्या है टेन रूट थ्री जगह रूट थ्री बाई टू ए, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया तो a इज इक्वल टू 20, तो जो हमारा साइड हो गया ट्रायंगल का हो गया 20, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर मीन्स रूट थ्री बाई फोर इंटू 20 स्क्वायर यानी रूट थ्री बाई फोर इंटू 400 इक्वल टू 100√3 हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज लीस्ट नंबर ऑफ फेसेस, इसको आप खुद देखिए कि इसका फेस का आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ओके तो क्यूब के कितने फेस होंगे, क्यूब के फेस 6 होंगे। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड के फेस कितने होंगे, 4 1 5 होंगे। कोन के कितने फेस होंगे, कोन के 2 ही फेस होंगे, और ट्रायंगल प्रिज्म के 3 + 3 = 6 फेस होंगे, तो लीस्ट किसका हुआ, कोन का हुआ, तो ऐसा हमारा कोन होना चाहिए। ठीक है, आपको इन सबके डायग्राम पता होना चाहिए, कोन का डायग्राम, इसका पिरामिड का, कोन का, ट्रायंगल प्रिज्म का। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए स्कोर this 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 and this runs in 4 out of 5 innings, what should be his score in the 5th innings if he has to make an average of 55 in 5 innings, 55 ka average banana hai 5 innings mein. theek hai, 4 innings ki value de di maine hamein. theek hai, pehle inning mein usne kitna extra banaya hai plus 18, dusre mein plus 21, teesre mein kam kiya usne minus 25 aur last mein माइनस 48, तो वैल्यू यहाँ पे प्लस में 39 और नेगेटिव में 8 5 13 और यहाँ 7। ठीक है, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी जगह 4 34 44 ओके डब्ल्यू यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 35, यहाँ पे 83 और यहाँ 44। ओके, तो माइनस 44 हो रहा है मीन्स अब उसे 55 में एक्स्ट्रा 44 जोड़ने होंगे, 55 में एक्स्ट्रा 44 जोड़ेंगे तब उसका एवरेज जाएगा 55, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 99। ठीक है, ये मैंने कैसे किया है, ये पांच इनिंग है चार पांचों ही कर लेते हैं, पांच मैंने पांच इनिंग में एवरेज
मैंने उसके मान लिए 55, 55, 55, 55, 55 स्कोर किया, ये मैंने मान लिया। पर एक्चुअल चीज क्या है? एक्चुअल चीज है 73, 76, 27 और कुछ वैल्यू। वैसे 73 स्कोर किया तो मेरे उम्मीद से उसने आप 18 स्कोर ज्यादा कर दिया, आप मेरे उम्मीद से 21 को ज्यादा कर दिया, यहाँ 35 स्कोर कम कर दिया और यहाँ पे 48 स्कोर कम कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे उम्मीद से यहाँ पे इन चारों का जोड़ है वो है -44। ठीक है, -44 थोड़ी इन चारों का जोड़ 44 है, यहाँ +44 होना चाहिए, यहाँ मैं फोटो लिख रहा हूँ। ये जो इन पांचों का जोड़ है, इन पांचों का जोड़ जो है तो जीरो होना चाहिए। ठीक, इन पांचों का जोड़ जीरो होना चाहिए, तो इन चारों का -44 है, यहाँ +44 होना चाहिए। इस मेरी उम्मीद से उसको +44 ज्यादा बनाना चाहिए, तब उसका एवरेज कितना पाएगा 55। तो मेरी उम्मीद से के अनुसार उसका 99 आंसर होना चाहिए। ठीक, अगर मैं अपनी उम्मीद से करूँ तो ये मेरा करने का एक तरीका है। दूसरा आपकी सिंपल कर लिए 73 प्लस 76 प्लस 20 प्लस 7 इक्वल टू 55 इंटू 5 सॉल्व करिए, तो इसका आप सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस एक्स कर लीजिए, लास्ट वैल्यू एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 55 इंटू 5 माइनस कोई वैल्यू इक्वल टू हमारा आंसर, तो कोई वैल्यू हमारा ये है। ठीक है, ओके, तो आपको सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जो पुराना तरीका डब्बे वाला तरीका था, मेरा तरीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द टेबल शोज इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फॉर 3 इयर्स इन थाउजेंड्स। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका कोई क्वेश्चन मैं समझ में नहीं आया था जब मैंने सीपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना। सीपीओ का क्वेश्चन जो रिलीज हुए तो मुझे डेट मुझे याद नहीं कब कौन से डेट में रिलीज हुए, पर जब भी रिलीज हुए थे रिप्रेजेंटेशन से दो एक या दो दिन पहले मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, लेकिन कोई एक कुछ था जिससे कि मैं ये सॉल्व नहीं कर पाया था, क्या बोलते हैं ग्राफ। अब मुझे कंफ्यूजन पैदा हो रही है, मैंने सीपीओ की बात कर रहा हूँ आरआरबी की, एक साथ इधर पेपर सॉल्व कर दिए ना मैंने, कुछ याद नहीं आ रहा। चलो पढ़ जाएगा, जहां मैं अटकूंगा मतलब कि वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। ठीक, क्वेश्चन है द टेबल शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन फॉर 3 इयर्स इन थाउजेंड्स, इनकम एक्सपेंडिचर है थाउजेंड्स में। In the given table, what is the percentage of expenditure on income in the year 2002? 2002 ये रहा और income 243 है, expenditure 197 है, तो हमें 197 upon 243 ये करना है, तो निकालना percentage। तो आप इसको solve करेंगे तो value आ जाएगी, आप इसको खुद solve करिएगा क्योंकि इसको solve करने जाऊंगा थोड़ा time लगेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव है और जो आंसर है आपके पास पास है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन से भाग सकते नहीं है। तो जो मैं सॉल्व कर रहा हूं कॉपी में वो है, सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 81.06 कुछ परसेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 81%, क्योंकि राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए अबाउट 600 ग्राम 850 ग्राम 1.1 केजी एंड दिस केजी पैकेट ऑफ दाल फ्रॉम द शॉप, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बैग्स। ठीक है, हमें इसका एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, एवरेज वेट के लिए मैं थोड़ा फिर से अलग टाइप से करता हूँ। मैं मान लेता हूँ मीन एवरेज मेरा क्या है, मीन एवरेज हमारा 600 है, क्योंकि सब 600 से ज्यादा है तो मैं मान ले रहा हूँ। तो अगर मैंने मान लिया तो जीरो हो गया, ये 150 हो गया, ये 500 ग्राम हो गया, और ये 1700 ग्राम हो गया, और ये 200 ग्राम हो गया। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज होगा, जो एक्चुअल एवरेज होगा, एक्चुअल एवरेज इक्वल टू जो मैंने माना 600 प्लस जो है जो बचे हैं 150 प्लस 500 प्लस 1700 प्लस 200 बटे कितना है, एक एक दो तीन चार पाँच फाइव फाइव जगह 600 प्लस 0000। ठीक, पाँच 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 आ गया। ठीक,
एक पाँच छः, 6 और 17 23, और 23 और 2 25, हमारी वैल्यू ये आ गई 600 प्लस 5 5 10, यानी हो जाएगा 1110 ग्राम इजिकल टू 1.11 kg, मेरा आंसर हो गया 1.11 kg। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉइज द रेशियो अर्बन टू रूरल नंबर ऑफ स्टाफ इज 8:7। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉइज आउट ऑफ दिस 20 आर रूरल द रेशियो बिकम्स 5:4। द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉइज इज, ओके, तो पहले कितने एम्प्लॉइज थे? 1200। 1200 में से अर्बन और ये रूरल, अर्बन है 8 और 7 इस रेशियो में बढ़ गया, तो 8 से कितना हुआ? 15। तो 1200 भागा 15 इंटू 8 हो गया अर्बन की वैल्यू, और 1200 भागा 15 इंटू 7 हो गया रूरल की वैल्यू। तो 15 8 120, 800 इंटू 8 करो और 800 इंटू 7 करो, तो अर्बन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 6400 और ये 5600। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉइज आउट ऑफ दिस 20 रूलर, कुछ लोग और जुड़े तो रेशियो बन गया 5:4, और उसमें रूलर है 20, 20 रूलर के जुड़ गए, पर हमें पता नहीं कि अर्बन कितने जुड़े, तो उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो 6400 गड़बड़ी कर दी मैंने, कर ही रहा हूँ, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, अब एक एक्स्ट्रा हटा दो यहाँ पे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा दोगे तो हो जाएगा 640 प्लस एक्स अपॉन 580 इजिकल टू 5:4, तो ये हो जाएगा 4 जीरो 0, 4 चौक 16, 4 24 25 प्लस 4x इक्वल टू 5 इंटू 580, 58 का आधा कितना होता है? 29, 29 00, तो 4x इक्वल टू 2900 माइनस 2560, यानी x इक्वल टू 340/4 इक्वल टू 85 हमारा आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन से जो आप जीरो की वैल्यू से नंबर ऑफ जीरो को ध्यान रखना कि आप गड़बड़ी ना कर दो, जैसे छोटी छोटी गलतियों के कारण आपके मार्क्स चले आते हैं और मेरे भी चले जाते थे। ठीक है, जैसे कि मैं 2016 में 100 क्वेश्चन करे थे मैंने मैथ्स में, तो उसमें 96 करेक्ट थे और 4 गलत हो गए थे। ठीक है, तो ये 4 जो गलत थे तो भी छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण हुए थे, यानी कि कोई बड़ी मिस्टेक थी और छोटे छोटे मिस्टेक्स कारण हुई थी, तो छोटे मिस्टेक्स पे आपको ध्यान देना है, आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। ठीक है, एड राइव्स एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 4 मिनट्स लेट। इफ स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर ए रीचेस 5 मिनट्स अर्ली, द डिस्टेंस जो है इज, ठीक है यहाँ पे स्पीड लिख लो या टाइम लिख लो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए अगर डिस्टेंस सेम हो तो ध्यान है आपको स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारा 45 है और 60 है, 40 और 60 का रेशियो कितना हुआ? 15 43 15 6 60, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। यहाँ पे क्या है, 4 मिनट लेटे मीन्स प्लस 4 मिनट, और यहाँ 5 मिनट अर्ली मीन्स माइनस 5 मिनट। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 9 मिनट का। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। ठीक है, तो जो 1 है वो 9 मिनट के बराबर है, तो जो 4 होगा वो 36 मिनट के बराबर होगा, और जो 3 है वो 27 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो टी प्लस 4 इजिकल टू 36 मिनट, यानी टी इजिकल टू 32 मिनट। ठीक है, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको निकालना है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए। डिस्टेंस करने के लिए 60 की स्पीड है, 27 मिनट लगे हैं, तो आपको पता है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 27 मिनट इक्वल टू 27 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ टूरिस्ट फॉर द ईयर 2015 ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। पाई चार्ट आप देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, या पाई चार्ट पहले ही देख चुके हैं। अब क्वेश्चन है, इन द गिवन पाई चार्ट फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया मोर देन इंडिया गोइंग टू दैट कंट्री। ये कह रहे हैं किस कंट्री से इंडिया में ज्यादा लोग गए हैं कि इंडिया से वहां कम लोग गए हैं, मीन्स इंडिया से किसी कंट्री में जानने वाले लोग जो है ज्यादा है
अनप्रेजेंट टू किसी कंट्री से इंडिया में आने वाले लोग, उल्टा बोल दिया ना मैंने, ठीक है। इंडिया से कंट्री जाने वाले लोग थोड़े कम है, कम मीन्स अगर कोई वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो यहाँ पे 2 लोग आए होंगे, और यहाँ 2 लोग आए होंगे तो 3 आएंगे या 4 आएंगे या 5 आएंगे, नहीं ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया से दूसरी कंट्री में जाने वाले लोग कम है, इस कंट्री से इंडिया में आने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पहले पता है कि यूएसए में लोग ज्यादा गए हैं, ठीक है। यूएसए में फ्रॉम इंडिया टू यूएसए इज मोर देन दिस, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली हट गया। तो बचा हमारा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका बचा है, तो आपको उनकी वैल्यूज देखनी है, ठीक। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, दोस्तों इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो कि इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जो कि इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं या दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, ये बताया ही नहीं इन लोगों ने, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। पर अगर पूछते इन परसेंटेज तो यह क्वेश्चन सही हो सकता है, देखते हैं सही है गलत है। यहाँ 42% 26% ज्यादा है तो ऑप्शन ऐसे हट गया, हम सिर्फ परसेंटेज फोकस कर रहे हैं। 31% 30% ज्यादा तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, 20 से 34 ज्यादा ये सही हो गया, 7 से 10 ज्यादा ये सही हो गया, तो सही वाले हमारा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। और आप परसेंटेज की बात करें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सही है, अन्य हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। या नंबर ऑफ पीपल गिवन होता तो हमें पीपल निकालने होते फिर बताना होता, पर यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल नहीं है इसलिए मैंने माना कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मैंने देख लिया 42 26 से ज्यादा है, एन ये हट गया, यहाँ पे 34 नहीं 31 30 ज्यादा ये भी हट गया, फिर 20 34 से कम है तो ये सही हो गया और ये भी सही हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया ऑस्ट्रेलियन अफ्रीका, ठीक है। तो इनको परसेंटेज बोलना चाहिए था, इन्होंने बस मान लिया कि अगर यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ लोग इंडिया से गए हैं तो एक्स नंबर ऑफ लोग भी इंडिया आए हैं, जाने वाली संख्या अगर लाख है तो गए लाख लोग हैं, तो गए लाख लोग हैं तो आए भी लाख लोग हैं, तभी इस परसेंटेज का मतलब बनता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन है, एबीसीडी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट एन एंगल इट इज इक्वल टू 125 डिग्री देन द एंगल ऑफ बीएसी इज इक्वल टू। आपने पिछले जितने भी सीरीज में शिफ्ट के क्वेश्चन देखे हैं, इस सीरीज सीपीओ सीरीज के इस शिफ्ट के अगर पिछले वीडियो देखे हैं आपने तो आपको बताया 125 डिग्री से बस 90 डिग्री माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे कर भी देते हैं, ए बी सी डी, तो एंगल एडीसी कितना 125 डिग्री, अगर 125 है तो ये जाएगा कितना, इन दोनों का समोच्चय 180 डिग्री, 125 में कितना जोड़ो कि वो 180 डिग्री हो जाए। सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हमारे 55 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, एंगल बी ए सी, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, हमें पता है वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि अगर हम सेमी सर्कल में सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट पे हम एंगल बनाए तो 90 डिग्री होता है, 90 हो गए 35 हो गया तो ये 35 होगा, क्योंकि इन तीनों का सम इसका इसका और इसका इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 35 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का खुद देखिए एक बार, क्वेश्चन है इफ अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर, इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू
2H into L plus B होता है क्यूबॉइड के लिए. 2H means 2 into 7.5, L plus B means 40, यानी 15 into 40 is equal to 600 हमारा आंसर. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज इतना. द सम इज 3 साल का सही कितना है, इतना है. तो 1 साल का सही कितना होगा 1 ईयर का, 7200 बटा 3 इज इक्वल टू 2400. जो 15% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2400. ठीक है, तो 100% जो जाएगा वो जाएगा हमारा प्रिंसिपल का 2400 भागा 15 इंटू 100 इक्वल टू 15 16 160 इंटू 100 यानी 16000. तो आंसर हो गया 16000. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज बाय 15%. बाय हाउ मच परसेंटेज शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज. ठीक है, प्राइस रेज हुआ है. अगर आपने पिछले शिफ्ट्स की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कैसे करना है. आपको करना है x अपॉन 100 प्लस x प्लस, इसलिए हो गया रेज हो रहा है. अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है हम नेगेटिव लगाते हैं, तो 100 अपॉन 100 प्लस x इनटू 100 करना है बस आपको. तो यहाँ पे 15 अपॉन 100 प्लस 15 इनटू 100 ये जगह 15 इनटू 100 बट्टा 115 ये जगह 5 दिया और ये 23 300 बट्टा 23 इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 13 सही 1 बट्टा 23. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 13 सही 1/23%. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक्चुअल में जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस चीज को आपको ध्यान याद रखना है, याद रखना है. ठीक है, ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखना है. अगर हमारे पास x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा. आप यहाँ ध्यान रखिए, जो हमारा कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ गया है और यहाँ cos से sin में चेंज आ गया है. यहाँ cos से sin हो गया, sin से cos हो गया. अगर इस टाइप की वैल्यू है तो आपको ध्यान रखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे जो x की पावर गिवन है 1 है और यहाँ पे 2 है, मीन्स आपको स्क्वायर करना है. स्क्वायर करोगे इसका तो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 × 4 = 12. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 हमारा आंसर. ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. इतना सिंपल क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है 8% ऑफ 5 लीटर इज 8% ऑफ 5 लीटर इज 5 लीटर कितना होता है 5000 मिलीलीटर. ये होता है हमारा 5 लीटर. इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 50 ml. इसका 8% होगा 8 × 50 ml यानी 400 ml, जो कि हमारा सही आंसर है. और हमारे यहाँ 25 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो के. उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, अगर कहीं अटका हो तो वो भी समझ में आ गया हो. ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही. बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे.